हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यात्रा एक्सप्रेस में। तो दोस्तों कैसे हो सभी लोग? आज का ब्लॉग हमारा होने वाला है लुधियाना के लिए, तो चलो अपने सफर को करते हैं कंटिन्यू। अभी हम कंटिन्यू जा रहे हैं लांडरा सरंद रोड पे। हम पहुंच चुके हैं भैरव पर, अब यहाँ से हमें बाईपास निकलना है। ये रहा बोर्ड, फतेहगढ़ साहब सीधा पटियाला लुधियाना के लिए, उस तरफ से बाईपास निकलना है यहाँ से हमें। ये रोड सीधा दोस्तों चला जाता है श्री फतेहगढ़ साहिब के लिए, अब यहाँ से हमें बाईपास के लिए निकलना है। ये रहा श्री फतेहगढ़ साहिब का बोर्ड। ये बाईपास है, ये दोस्तों आगे आ गया नेशनल हाईवे दिल्ली अमृतसर वाला, इधर जाता है दिल्ली को, इधर चला जाता है ये अमृतसर का रोड। दोस्तों मैं आ चुका हूँ NH 44 पे, ये दिल्ली अमृतसर रोड है। दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ NH 44 पे, हम पहुँच चुके गोविंदगढ़। भाई ऑल ओवर पंजाब में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक शहर मेरे हिसाब से गोविंदगढ़ ही है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खन्ना, यहाँ से खन्ना एग्जिट के लिए। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं मज्जी साहिब, ये रहा गुरुद्वारा श्री मज्जी साहिब। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं तराहे, तराहे से हमें NH 44 पर से उतरना है, लेफ्ट होना है हमें, हमें जाना है नेहरू नहर। यहाँ से एग्जिट है, ये रोड सीधा चला जाता है अमृतसर के लिए, हमें इधर जाना है, ये रोड नहर होते हुए जाता है। दोस्तों मैं NH 44 से नीचे उतर गया था, अब जिस तरफ मैं जा रहा हूँ इसे लुधियाना का दखनी बाईपास बोलते हैं। दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ दखनी बाईपास पे, लुधियाना के दखनी बाईपास पे, ये नहर के साथ साथ
वो पीछे रह गया हमारा NH-44, वो रहा। यहाँ से दोस्तों मौका लगे हमारा 88 किलोमीटर, फिरोजपुर 147 किलोमीटर।